इमेजिन करो यूरोप में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है एक बच्चा घर छोड़कर भाग चुका होता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है भोजन की जिसे वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर पूरा करता है उसके दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहे होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम देखा तो उसे लगता था कि वह बेटर कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकता है कार रिपेयर की शॉप पर जाता तो वहां खड़ी गाड़ियों को कई महीने तक बनता देख उसे लगता कि इसे मैं जल्दी रिपेयर करवा सकता हूँ जब वह राइस के गोदाम में काम करता तो उसे लगता मैं माल जल्द डिलीवरी करवा सकता इन्हीं सब विचारों के साथ बाद में यह बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी ह्यून्डेवी इंडस्ट्रीज दुनिया की तीसरी और साउथ कोरिया की पहली सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एशिया की दूसरी सबसे पुरानी एक्सप्रेसवे को बनाता है जी हां मैं बात कर रहा हूं ह्यूंडे के फाउंडर चुंग जू युग की उन्नीस सौ पंद्रह में कोरिया के छोटे से गांव में चुंग का जन्म हुआ था बचपन में उन्हें स्कूल टीचर बनने का शौक था लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काम करना पड़ता था 16 से 17 घंटे काम करने के बावजूद उनकी फैमिली को एक साथ एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता था चुंग को एक्स्ट्रा पैसे के लिए नजदीकी शहर में लकड़ी बेचने के लिए जाना पड़ा शहर पहुंचने पर चुंग शहर के लोगों के खान पान और पहनावे को देखकर भौचक्का रह गया सोलह साल के चुंग के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने शुरू हो चुके थे उसे पता था कि वह अपना जीवन गांव में ही रहकर कभी बदल नहीं सकता इसलिए फैसला लिया कि घर छोड़कर शहर भाग जाएगा लेकिन यह सब आसान नहीं था एक दिन चुंग ने अखबार में पढ़ा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लेबर्स की जरूरत है चुंग रात को चुपचाप अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर भाग निकला 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह कोवोन शहर पहुंचा उसकी सोच से परे काम बहुत कठिन और वेतन बहुत कम के बावजूद वह बहुत खुश था उसे लगता था आजाद होकर वह आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकता है लेकिन दो महीने के बाद ही उसके पंख कतर दिए गए चुंग के पिता ने उसे ढूंढ निकाला और उसे वापस खेतों में लगा दिया चुंग के घर आ जाने से उसका परिवार बहुत खुश था लेकिन चुन का दिमाग कंस्ट्रक्शन साइट पर ही अटका हुआ था था उसे उसे लगता था कि उड़ने के लिए उसे पहला हथियार सिविल इंजीनियरिंग मिल चुका है जिसे पाने के लिए वह जेल से कई बार भागने का प्रयास करता है लेकिन हर बार जेलर उसे पकड़ लेता है आखिरकार उसके पिता भी उसकी हरकतों को देखकर पिघल जाते हैं उन्नीस में अठारह वर्ष की उम्र में चुंग दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचा चुंग को जो भी काम मिलता है उसे वह करता जाता सबसे पहले लेबर उसके बाद फैक्ट्री वर्कर लेकिन उसे मनपसंद जॉब बोखयांग राइस स्टोर में एज अ डिलीवरी बॉय के रूप में मिली मात्र छह महीने में चुंग की मार्केटिंग स्किल और ग्राहकों के प्रति व्यवहार को देखकर स्टोर के ओनर ने उसे मैनेजर की पोस्ट दे दी उन्नीस में अचानक स्टोर के ओनर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने चौंका देने वाला डिसीजन लिया चुंग की मेहनत को देखकर उसे स्टोर का ओनर बना दिया चुंग की मेहनत रंग लाई मात्र 22 साल की उम्र में लेबर से बिजनेसमैन बन चुका था चुंग की लाइफ अच्छी चल रही थी लेकिन तभी अचानक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जापान के आधिपत्य में कोरिया था युद्ध के दौरान जापान को सैनिकों के लिए चावल की आपूर्ति करनी थी जापान ने कोरिया के सारे राइस स्टोर को हथिया लिए जिसमें चुंग की स्टोर भी शामिल थी चुंग की सारी मेहनत एक ही बार में नष्ट हो गई वह बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने हार न मानने की कसम खा रखी थी चुंग का कहना था कि मैं निश्चित रूप से सफल हो जाता हूं अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसे करने में मैं पूरी निष्ठा से अपना दिल और अपनी आत्मा को लगा देता हूं इसी सोच के साथ चुंग ने ऐसा बिजनेस खोजना शुरू किया जिसमें जापानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो चुंग जल्द ही कार रिपेयर बिजनेस पर फोकस करने लगा 1940 में चुंग ने 3,000 हजार का लोन लेकर एडू सर्विस गैराज खोला लेकिन इस बार फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चुंग का गैराज एक महीने में ही जलकर राख हो गया चुंग पर पहाड़ टूट पड़ा एक तरफ लोन तो दूसरी तरफ ग्राहकों के नुकसान की भरपाई ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति आसानी से हार मान लेता लेकिन हमेशा की तरह चुंग एक बार फिर हिम्मत के साथ बैंक से तीन हजार वन का लोन लेने पहुंच गया इस बार चुंग ने पहले वाली गराज की अपेक्षा एक बेहतरीन गराज बनाई उसने ऑटो रिपेयर सर्विस को गौर से स्टडी करना चालू किया और उसने पाया कि कार्स को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है फाइनली उसने अपना फोकस कार्स रिपेयर की स्पीड पर रखा जहां उसके कंपिटिटर एक कार को रिपेयर करने में बीस दिन का समय लगाते थे चुंग को पांच दिन का ही समय लगता था मात्र तीन सालों में यानी कि तैतालीस तक चुंग की गराज में 80 वर्कर्स काम करने लगे थे इस समय तक चुंग ने सारा रण चुका दिया था और अपना परिवार सियोल में बसा लिया था चुंग का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन फिर एक और आपदा आ पड़ी जापान को हथियारों की शॉर्टेज होने लगी थी जापान को युद्ध संबंधी हथियार बनाने की आवश्यकता थी तो जापान ने चुंग की गराज का स्वामित्व ले लिया और इसे एक स्थानीय स्टील फैक्ट्री के साथ मर्ज कर दिया का एक बार फिर बिजनेस बंद हो गया और अपने फैमिली के साथ वापस अपने गांव आ गया लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं आया था उसके पास पूरे पचास हजार वन थे वह बस न्यू बिजनेस ओपन करने का वेट करने लगा वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते ही कोरिया से जापान का प्रभुत्व समाप्त हो गया कोरिया का नॉर्दर्न एरिया सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस था तो उसे नॉर्थ कोरिया नाम दिया गया कोरिया का साउदर्न एरिया अमेरिका से इन्फ्लुएंस था तो उसे साउथ कोरिया नाम दे दिया गया चुंग एक बार फिर 1946 में अपने कार रिपेयर बिजनेस को खोलने सियोल निकल पड़ा बिजनेस पुराना था लेकिन नाम इस बार नया था हुडई ऑटो सर्विस हुडई का मतलब आधुनिक होता है उन्नीस में चुंग 31 वर्ष के हो चुके थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हुंडई सिविल वर्क कंपनी के नाम से एंट्री किया शुरुआत में उन्हें कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलते थे तभी कहानी में मोड़ आता है 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया चुंग को फिर सियोल छोड़कर पुसान जाना पड़ा साउथ कोरिया का साथ अमेरिका दे रहा था जिसे टेंट वेयर हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी चुंग ने सोचा कि अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है अमेरिका के पास अगर कुछ कमी है तो वह थी समय की चुंग ने टाइम पर डिलीवरी देने का भरोसा जताया और एक छोटी सी टीम के साथ कैंडू मोटो से शुरुआत की चुंग की खासियत थी कि वह कोई भी प्रोजेक्ट लेता तो उसे किसी भी कीमत पर बीच में नहीं छोड़ता इसी विश्वसनीयता के कारण चुंग की अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होते चले गए उन्नीस में युद्ध खत्म हुआ लेकिन चुंग को अमेरिका से कांटेक्ट मिलना जारी रहा कोरिया की सरकार ने भी कंट्री को रिबूट करना शुरू किया जिसमें मेनली ब्रिज डैम और सड़कें सम्मिलित थे चुंग ने हुंडई को एक्सपेंड करने के लिए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के लिए दो मेजर चीजें बनाई क्यूंगे जो एशिया की दूसरी सबसे पुरानी सड़क है और सोयंग डैम जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी डैम है 1960 में चुंग की उम्र 50 साल हो गई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन चुंग इससे संतुष्ट नहीं थे चुंग ने हजारों किलोमीटर लंबी सड़क पहले ही निर्माण कर ली थी अब बारी थी उन सड़कों पर दौड़ने वाली कार बनाने की चुंग ने उन्नीस में हुडई मोटर कंपनी की स्थापना की उन्नीस में चुंग ने फोर्ड के साथ एक डील की हुडई फोर्ड के लिए कॉर्टिना कार्स असेंबल करेगी यह ज्वाइंट वेंचर दो सालों तक सक्सेसफुली चला उसके बाद दोनों कंपनी के बीच मतभेद शुरू होने लगे फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी कार्स को लॉन्च करें इसलिए चुंग ने उन्नीस में फोर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर को समाप्त कर न्यू पार्टनर्स को खोजना शुरू किया फाइनली जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ डील हुई जिसमें यह तय हुआ कि मिटसुबिशी अपनी कार मेकिंग टेक्नोलॉजी देगा साथ ही हुंडई अपने कार्स को बेच भी सकता है कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है चुंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उसी के साथ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी को एक इशू ऑर्डर किया जिसमें साउथ कोरिया की जनता के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल कार बनानी थी जिसके पार्ट्स मेड इन साउथ कोरिया होने चाहिए उन्नीस में चुंग ने न्यू प्लांट सेटअप किया इसी के साथ साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार हुई पोनी को हुडई ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी दिस कार वॉज सो सक्सेसफुल इन साउथ कोरिया हुडई ने सिक्सटी परसेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई थी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद साउथ कोरिया की कार मार्केट केवल तीस हजार की ही थी जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थी एक और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हुंड पोनी साउथ कोरिया में सक्सेसफुल थी लेकिन ओवरसीज मार्केट में यह फेलियर साबित हुई ड्यू टू मैकेनिकल इश्यूज और गर्मियों में इसका पेंट पपड़ी की तरह उतर जाती थी इन्हीं सब वजह से हुडई मोटर कंपनी सात सालों तक घाटे में रही लेकिन चुंग के एक डिसीजन ने एक बार फिर सब कुछ चौंका के रख दिया घाटे को देखते हुए सभी ने राय दी कंपनी को बंद करने में ही भलाई है इसके जस्ट ऑपोजिट 1980 में चुंग ने एक नई फैक्ट्री में तीन लाख कार्स बनवाने शुरू किए कंपनी के मैनेजमेंट को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि यह कार कहां सेल होगी लेकिन चुंग को पता था कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है हर साल नए लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रहे हैं और उन्हें कार्स की जरूरत है इसके अलावा हुंडई अपने न्यू कार्स को फॉरेन मार्केट को देखते हुए बना रही थी उन्नीस में हुडई ने पोनी टू को कई इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया जो कि साउथ कोरिया ही नहीं अफ्रीका लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी हिट साबित हुई हुंडई ने चार लाख कार को सेल कर अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना शुरू किया अब बारी थी ग्लोबल लेवल पर अपने आप को साबित करने की जो कि सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने अमेरिका थी अमेरिका उस समय भी कार्स का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था लेकिन इस सेक्टर में वजूद स्टेबल कर पाना बहुत टफ था क्योंकि ऑलरेडी बहुत कार्स कंपनी कंपटीशन में लाइन में खड़ी थी जब हुंडई ने अमेरिकन मार्केट को स्टडी करना शुरू किया तो उसे पता चला कि मिड और लार्ज साइज सेगमेंट में कट थ्रोट कंपटीशन है इसमें पैसे लगाना ड्रीम इलेवन में पैसे लगाने के बराबर है लेकिन हुंडई को अपॉर्चुनिटी सब कम्पैक्ट कार मार्केट में दिखी जहां कंपटीशन लगभग जीरो था और केवल एक कंपटीटर जापान था इसके अलावा अमेरिका में सेकेंड हैंड कार का बहुत क्रेज था और मार्केट भी बहुत बड़ा था अमेरिका की मार्केट अचानक हिल उठी जब हुडई ने अपने एक्सेल को सेकेंड हैंड प्राइस और पांच साल की वारंटी के साथ पेश किया अमेरिका की सेकेंड हैंड कार्स चाहने वाले कस्टमर हुडई एक्सेल में शिफ्ट हो गई उन्नीस में अमेरिकन मार्केट में हुडई ने एक लाख सत्तर हजार एक्सेल को बेची नेक्स्ट ईयर उन्नीस में यह बढ़कर दो लाख सत्तर हजार हो गई इसी के साथ हुडई ने हंडई एक्सेल को बेचना शुरू किया और अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई इसी के साथ हुंडस्टैब्लिड एज अ मेजर कार कंपनी ऑन अ ग्लोबल लेवल बहत्तर वर्ष की आयु में हुंडई से रिटायर होकर बिकेम दी चेयरमैन चुंग के बाद उनके भाई और बेटों ने भी कंपनी को उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया 2022 तक हुंडई इज द थर्ड बिगेस्ट कार कंपनी इन द वर्ल्ड ओनली 2022 में हुडई ने 40 लाख कार को ग्लोबल सेल किया है वैसे तो लोग हुडई को कार मैन्युफेक्चरिंग के लिए जानते हैं लेकिन हुंडई ग्रुप में टोटल फोर्टी टू कंपनी है जैसे की जब जापान शिप बिल्डिंग में सबसे आगे था लेकिन आज बिकॉज ऑफ हंडई साउथ कोरिया है वर्ल्ड बिगेस्ट शिप बिल्डिंग कंट्री जैसे टाटा ने हमारे देश को जितनी ऊंचाइयों पर खड़ा किया है उसी तरह हुडई इज एन इंस्टीट्यूशन द रीबिल्ड कंट्री दूरदर्शिता और बेहतरीन की चाहत ने उसे दुनिया की नजरों में एक महान इंसान बना दिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हम कार्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं जिसमे कार्स की हिस्ट्री के बारे में एक्सीडेंटल कार रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग के साथ कौन सी कार आपको लेनी चाहिए और कौन सी कार नहीं लेनी चाहिए इत्यादि के बारे में वीडियोस बनाते हैं सो डू सब्सक्राइब शर्मा गराज फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।